हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चुन्नू की रसोई। आज चुन्नू की रसोई में बन रहे हैं ब्रेड से रसगुल्ले, बहुत ही सुपर सॉफ्ट एंड वेरी टेस्टी। ये रसगुल्ले सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बने हैं। जी हाँ, 3 इंग्रेडिएंट। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के रसगुल्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 7 से 8 ब्रेड। इसका काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1/2 कटोरी चीनी। और यहाँ पे मैं उसी बाउल से पानी ऐड करूँगी। 1 बाउल मैंने इसमें यहाँ अभी ऐड कर रही हूँ और 1/2 बाउल अभी और ऐड करूँगी। तो मतलब इसका ये है कि हम जितनी चीनी लेंगे उसका हमें 1.5 पानी यूज करना है। और यहाँ पे मैंने लिए 2 इलायची। इनको मैं हाथों से इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी। और बस इसकी प्रोसेसिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूँगी गैस पे। तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है हाई और मैंने इसको चढ़ा दिया है गैस पर। देखिए, पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसको एक बार चला दूंगी। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अभी हमें इसका शुगर सिरप बना के रेडी करना है। इसमें हमें कोई तार नहीं चाहिए, बस ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए इतना हमें ये रेडी करना है। तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर लें, ये चिपचिपी हल्की सी जैसे हो जाए ना, जैसे मैं चेक कर रही हूँ वैसे, तो ये मतलब रेडी है। तो ये तो रेडी हो गई है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ मैंने जो ब्रेड लिए थे ना, उसके मैंने जो साइड थी वो कट करके रख लिए हैं। और अब ये जो ब्रेड है उनका मैंने क्रम्स रेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे चाहिए होगा फाइनली दूध। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। यहाँ हमें चाहिए होगा दूध, सिर्फ और सिर्फ दूध से हम इसको बनाने वाले हैं और कोई भी इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज नहीं करेंगे। और जितना दूध लिया है उसका 1/2 ही दूध यूज होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसका जैसे हम आटा बना के रेडी करते हैं ना, उस तरह से इसका बना के रेडी करना है। तो ये देख लीजिए, दूध भी इसमें कितना कम लगा है और ये आटा हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इस ब्रेड की हम छोटी छोटी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे, जैसे हम रसगुल्ले की बनाते हैं नॉर्मली उस टाइप से। तो ये देख लीजिए, ये इस टाइप से आपको बॉल बना के रेडी रखनी है। मैं सारे बना के रेडी कर लेती हूँ। इसी तरह से आपको एक और दिखा दी हूँ, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये लीजिए, इस तरह से मैंने बना के सारे रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ऑयल। थोड़ा सा ही मैंने यूज किया है क्योंकि हमारे जो बॉल्स हैं वो कम ही हैं। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये गर्म हो चुका है। अभी जो सारे रसगुल्ले हैं, बॉल्स बनाई थी जो हमने, उनको फ्राई कर लेते हैं। और हाँ, जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये इनमें कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। अभी मैं इनको 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी और आप इस तरह से चलाते जाएं, ये फूटेंगे नहीं, आप टेंशन ना लें। तो ये देख लीजिए, एकदम परफेक्ट बन के रेडी हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ और जो बाकी के बचे हुए बॉल्स हैं मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ, उनको भी ऐड कर देती हूँ। बाकी बचे हुए बॉल्स भी मैं इसमें ऐड कर दिए हैं और ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। अब क्या करना है ना, अभी एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो शुगर सिरप हमने बनाया था उसमें हम जब ये बॉल्स ऐड करेंगे तो वो शुगर सिरप हल्का गर्म ही होना चाहिए। तो जो शुगर सिरप था वो गर्म था, तो मैंने ये सारे बॉल्स इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इनको कम से कम 1/2 घंटे के लिए इसी तरह इसमें डिप होने दें। 1/2 घंटा यहाँ हो चुका है, तो मैं अब कर रही हूँ प्लेटिंग। आपने मन चाहे प्लेटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, एक एक बॉल्स ही मैं आपको पिक्स दिखा रही हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये देखने में कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं, कितने ज़्यादा लाजवाब लग रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना है तो आप एक बार खुद से बना करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये रसगुल्ले आपके कैसे बने। और ये देखिए, मैंने आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट हैं।
गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।